जल्द ही विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने दावा किया है कि बिहार के कई बड़े नेता पार्टी के संपर्क में हैं और जल्द ही वे औपचारिक रूप से संगठन में शामिल हो जाएंगे। तेज प्रताप गुरुवार को देर शाम रांची में कुछ मीडिया कर्मियों से अनौपचारिक बातचीत कर रहे थे। तेज प्रताप यादव ने कहा कि बिहार चुनाव के समय में नेताओं के आने जाने का सिलसिला सामान्य बात है। आरजेडी में भी श्याम रजक समेत कई नेता आए हैं। आने वाले समय में कई नेता पार्टी में शामिल होंगे। रघुवंश प्रताप सिंह के संबंध में पूछे गए एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि वे उनके पिता तुल्य हैं, चाचा हैं। उनकी नाराजगी की खबर सिर्फ मीडिया के एक गुट की अफवाह है। बीजेपी के लगाए गए 60 वाहनों के काफिले के साथ रांची आने के आरोप के संबंध में तेज प्रताप यादव ने कहा कि वे अपने समर्थक कार्यकर्ताओं को जबरन भगा नहीं सकते हैं। पीछे पीछे कोई आ जाता है, इसमें कोई क्या कर सकता है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि अब अगर कोई मीडिया कर्मी ही बिना बुलाए उनका इंटरव्यू लेने आ जाता है तो वे उसे जबरन भगा तो नहीं सकते हैं। तेज प्रताप ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वे कुर्सी से चिपके रहना चाहते हैं। बिहार में बाढ़ और कोरोना संक्रमण का खतरा है। उन्होंने खुद बिहार के कई बाढ़ पीड़ित इलाकों का दौरा किया और पूरी जानकारी अपने पिता लालू प्रसाद को भी दी। उन्होंने ये भी कहा कि लालू प्रसाद को एक साजिश के तहत फंसा कर जेल भेजा गया। बता दें कि बिहार में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में सभी पार्टियां चुनाव की तैयारियों में लगी हुई है। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी है। जानकारी सूत्रों एवं सूत्र स्रोत से प्राप्त है। इस जानकारी पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। बाकी तमाम जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। एसपीएन न्यूज रूम से श्रुति की रिपोर्ट।